गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CMA फाइनल का एंड CS में भी है, ये CMA फाइनल पेपर 13 कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लाइंसेस में चैप्टर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी पढ़ेंगे। आज मैं आपको वाइंडिंग अप क्या है और डिसोल्यूशन क्या है एकदम अच्छा से समझा दूंगा, और कल मैं इसका स्कैनर का सम कराऊंगा। एकदम इसका कंसेप्ट को एकदम माथा में घुसा लीजिए, घोट के मैं पिला दूंगा आपको वाइंडिंग अप क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दूंगा मैं इस क्लास को, एकदम सुनना है और कुछ मत नहीं करना है आपको, टू द पॉइंट मैं टॉपिक मैं रहूँ डायरेक्टली। देखिए, अंडरस्टैंडिंग अबाउट वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी। देखिए क्या लिखा हूँ मैं, बोलता है इफ ए कंपनी इज अनेबल टू कैरी हिज बिजनेस ड्यू टू फिनेंशियल लॉसेस देन दिस टाइप ऑफ कंपनी गोज इन वाइंडिंग अप प्रोसेस। सबसे पहला ये जानना है कि कौन कौन सा कंपनी वाइंडिंग अप में जाना चाहता है। जनरली बेसिक फंडा यही है कि कोई भी कंपनी को ज़्यादा बहुत लॉस हो रहा है और वह कंपनी आगे नहीं चला पा रहा है, किसी कंपनी को भी बहुत लॉस हो रहा है और वह कंपनी आगे नहीं चला पा रहा है, तो उस टाइप की कंपनी वाइंडिंग अप में चल जाती है। फ्यूचर में कंपनी के पास प्रॉफिट भी नहीं आएगा तो चल नहीं पाएगी, इससे बेटर है कंपनी को बंद कर दो। वही कंपनी जिसको बहुत लॉस हो रहा है और वह अपना कंपनी को रन नहीं कर पा रहा है, खर्चा नहीं निकाल पा रहा है कंपनी से, ठीक है। अब देखिए जनरली वाइंडिंग अप में होता क्या, इन वाइंडिंग अप प्रोसेस कंपनीज एसेट्स आर सोल्ड एंड मेक पेमेंट टू लायबिलिटी होल्डर। जनरली वाइंडिंग अप में क्या किया जाता है, कंपनी का सारा एसेट बेच दिया जाता है और लायबिलिटी होल्डर जो जो रहता है कंपनी उसको पेमेंट दे दिया जाता है, और बाद में यदि कुछ पैसा बच जाता है तो शेयर होल्डर लोगों को दे दिया जाता है, या लायबिलिटी यदि ज़्यादा हो जाएगी तो शेयर होल्डर लोग से या मेंबर्स लोग से लायबिलिटी का पैसा ले लिया जाएगा। अब पूरा प्रोसेस को मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए सिंपल से इतना जान लीजिए कि जिस कंपनी में बहुत लॉसेस है और कंपनी को रन नहीं कर पा रहा है तो उस टाइप की कंपनी वाइंडिंग अप में चल जाती है, कंपनी को बंद करना ही उन लोगों के पास एकमात्र ऑप्शन बचता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है वाइंडिंग अप में, NCLT डू वाइंडिंग अप प्रोसेस नाउ इट इज अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है वह वाइंडिंग अप करता है। तो आपको सिर्फ यही जानना है कि NCLT डू वाइंडिंग अप प्रोसेस, वाइंडिंग अप कौन करता है, NCLT करती है, ठीक है। आगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए NCLT डू वाइंडिंग अप प्रोसेस, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप प्रोसेस करता है। फर्स्टली NCLT अपॉइंट एंड लिक्विडेटर टू डू वाइंडिंग अप वर्क। क्या करता है, NCLT एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है वाइंडिंग अप का काम करने के लिए, ठीक है। लिक्विडेटर मीन्स एक ऑफिसर अपॉइंट करता है NCLT कि वाइंडिंग अप का सारा काम हुआ देख लेगा। लिक्विडेटर सोल्ड कंपनीज एसेट एंड मेक पेमेंट टू लायबिलिटी होल्डर। लिक्विडेटर का पहला काम यही है कि कंपनी का एसेट को बेच देता है और उससे जो पैसा आता है वह लायबिलिटी होल्डर लोगों को पैसा चुका देता है, ठीक है। एट लास्ट लिक्विडेटर मेक फाइनल रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग अप एंड सेंड टू NCLT। उसके बाद जब लायबिलिटी होल्डर को पैसा दे देता है लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर क्या करता है, NCLT को एक फाइनल रिपोर्ट बना के दे देता है, ठीक है। उस रिपोर्ट में लिख देता है कि ये लायबिलिटी का पेमेंट हो गया और ये पैसा यदि बचा है तो मैं कंपनी का मेंबर्स या शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। आफ्टर दैट NCLT गिव्स COD सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्या होता है, उसके बाद NCLT क्या करता है, COD दे देता है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डेथ, अब कंपनी खत्म हो गया है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन, कंपनी खत्म हो गया है, उसका NCLT सर्टिफिकेट दे देता है। एंड देन रिमूव द नेम ऑफ ए कंपनी फ्रॉम ROC रिकॉर्ड, रजिस्टर ऑफ कंपनी MCA का साइट से कंपनी का नाम हट जाएगा, कंपनी का नाम वहाँ से मिट जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब प्रोसेस को समझिएगा, सिंपल सा भाषा में ये बोला गया है यदि कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है और कंपनी आगे चल नहीं सकती है तो उस टाइप की कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है। वाइंडिंग अप कौन करता है, वाइंडिंग अप NCLT करता है। नाउ इट इज वाइंडिंग अप कौन करता है, NCLT करता है। NCLT कैसे करता है, NCLT एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है, वह लिक्विडेटर वाइंडिंग अप का काम करता है। लिक्विडेटर सबसे पहले कंपनी का एसेट बेच देता है और लायबिलिटी का पैसा चुका देता है, उसके बाद यदि कुछ पैसा बच जाता है तो कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूटर्स या मेंबर्स जो होता है उसको दे दिया जाता है, ठीक है। और यदि लायबिलिटी ज़्यादा हो गई तो मेंबर्स लोगों से ले लिया जाएगा पैसा, ठीक है।
लिक्विडेटर का ये काम है। उसके बाद लिक्विडेटर क्या करेगा, ये काम करने के बाद लायबिलिटी डिस्पोज अप हो जाएगी, उसके बाद लिक्विडेटर क्या करेगा एनसीएलटी को एक फाइनल रिपोर्ट बना के दे देगा, उसके बाद एनसीएलटी सर्टिफिकेट ऑफ डेथ कंपनी का दे देगा, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिजोल्यूशंस दे देगा। उसके बाद जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिजोल्यूशन दिया जाता है, कंपनी का नाम आरओसी रिकॉर्ड से हट जाता है। उसके बाद बोलते हैं, देखिए उसके बाद दो बेसिक चीज है, क्रेडिटर डू हिज क्लेम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसेस, आफ्टर वाइंडिंग अप ही कैन नॉट डू एनी क्लेम। क्या बोलता है, क्रेडिटर लोग जो क्लेम अपना कर सकता है कब, जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है। एक बार एनसीएलटी सीओडी दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ डेथ दे दिया, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। आदमी जिंदा रहेगा तभी तो आप पैसा ले पाओगे। तो यही बोला गया है कि क्रेडिटर अपना क्लेम कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस, वाइंडिंग अप प्रोसेस मतलब कंपनी जिंदा है, अभी मरा नहीं है, लेकिन एक बार सीओडी दे दिया एनसीएलटी मतलब कंपनी खत्म, ठीक है। तो क्रेडिटर जब भी अपना क्लेम देना चाहे तो जब तक लिक्विडेटर काम देख रहा तब तक दे सकता है, उसके बाद नहीं दे सकता है। इन सिंपल लैंग्वेज, वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप सिंपल भाषा में बोला जाए प्रोसेस है डिजोल्यूशन ऑफ कंपनी का। और डिजोल्यूशन क्या है, इट इज द अल्टीमेट डेथ ऑफ ए कंपनी। डिजोल्यूशन मतलब कंपनी खत्म, आदमी मर गया। वाइंडिंग अप, आदमी बेड में है, हॉस्पिटलाइज है, लेकिन डिजोल्यूशन मतलब खत्म हो जाना, मर जाना, ठीक है। हॉस्पिटलाइज है तब आप पैसा रिकवर कर भी पाओगे, लेकिन डेथ हो गया तो कर नहीं पाओगे। डिजोल्यूशन मतलब खत्म। इन कॉर्पोरेट लैंग्वेज वाइंडिंग अप क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर भी मैं सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी। वाइंडिंग अप में क्या होता है, कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एसेट ऑफ द कंपनी इज रियलाइज, एसेट रियलाइज होता है, एंड इट्स लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, कंपनी का लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया जाता है एसेट रियलाइज करके, एंड सरप्लस फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंट्रीब्यूटर। सरप्लस फंड क्या होता है, मेंबर्स लोगों को बांट दिया जाता है। Winding up is the process of dissolution of a company and dissolution is the ultimate death of a company. Simple language. अब देखिए एक तो और चीज़ पढ़ेंगे, types of winding up, कितना प्रकार का winding up होता है। Simple भाषा में दो प्रकार का winding up होता है, compulsory winding up and voluntary winding up, ठीक है। देखिए voluntary winding up क्या है and compulsory winding up क्या है, मैं एक एक चीज़ों को समझाऊँगा आपको समझ में आ जाएगा। voluntary winding up मतलब सीधा सा भाषा में है, सिंपल सा एक लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ फिर आपको समझाऊंगा। आई डोंट वॉन्ट टू रन कंपनी फ्रॉम माई ओन कंसर्न, इन दैट केस आई कैन ऑप्ट वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्या होता है, मेरे को मेरा कंपनी अब नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है, मेरे पास बहुत पैसा हो गया, अब मैं बिजनेस वुजनेस नहीं करना चाह रहा हूँ, घर में रेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा मेरे मन से ही कि कंपनी बंद कर दो, ठीक है। इस केस में या कंपनी का बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस है तो मैं कंपनी नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में कन्वर्ट होकर अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, कंप्लाइंसेस के झमेला में नहीं फंसना चाहता हूँ। इस केस में भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो सकता है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप मतलब मेरा इच्छा से मैं कंपनी को बंद करना चाह रहा हूँ, सिंपल सा बात है। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगा जब मेरा खुद का इच्छा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए वॉलंटरी वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय माई सेल्फ, एनसीएलटी का कोई रोल नहीं है। मैं अपना मन से वाइंडिंग अप करना चाह रहा हूँ, मेरे को कंपनी बंद करना है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं घर में रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं वॉलंटरी वाइंडिंग ऑप्ट कर लूँगा, ठीक है। या कंपनी का बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस है, मैं उतना कंप्लाइंस में नहीं फंसना चाहता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं वॉलंटरी वाइंडिंग ऑप्ट कर लूँगा, मतलब मेरी इच्छा के हिसाब से। जब मैं अपनी इच्छा के हिसाब से करता हूँ तो लिक्विडेटर भी मैं खुद ही अपॉइंट करता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं वॉलंटरी समझा दे रहा हूँ, फिर कंपलसरी मैं समझाऊँ। आगे बोलता है, बट आई हैव गिवन अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग सॉल्वेंसी ऑफ माई कंपनी। सॉल्वेंसी मीन्स माई कंपनी हैव सफिशियंट एसेट टू मीट ऑल लायबिलिटीज। मतलब जब भी आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप करेंगे तो आपको ये जरूर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका कंपनी का पोजीशन सॉल्वेंसी है, मतलब कंपनी के पास सफिशियंट पैसा है अपना लायबिलिटी होल्डर को देने के लिए। यदि कंपनी के पास सफिशियंट पैसा नहीं होगा तो नहीं दे पाएगा, नहीं तो कोई भी आदमी बैंक से लोन लेगा और बोल देगा कि आई एम वॉलंटरी वाइंडिंग अप खत्म, कंपनी बैंक का पैसा मार के बैठ जाएगा। इसीलिए ये रूल बनाया गया, जब भी आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जाएंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होगा जरूरी। और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आप किसी भी प्रोफेशनल से सर्टिफाई करके देंगे, वो आपका ऑडिट करेगा सॉल्वेंसी का, फिर आपको सर्टिफिकेट देगा। सॉल्वेंसी मतलब आपके पास सफिशियंट एसेट है अपना लायबिलिटी को मीट करने का,
समझ में आया, आपके पास सफिशियंट पैसा है, आप अपना लाइबिलिटी को देके खत्म कर सकते हैं, समझ में। अब देखिए एक चीज और बोलता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप में, नो एनसीएलटी इन्वॉल्वमेंट इन दिस वाइंडिंग अप, बट एट लास्ट वी सबमिट आवर रिपोर्ट टू एनसीएलटी एंड एनसीएलटी गिव ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन। अल्टीमेटली कोई भी वाइंडिंग अप हो, एनसीएलटी ही फाइनल ऑर्डर देता है वाइंडिंग अप का, या वॉलंटरी हो या कंपल्सरी हो, समझ में आया। लेकिन वॉलंटरी वाइंडिंग अप में एनसीएलटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा जो लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगी वह लिक्विडेटर एक रिपोर्ट बना के दे देगा एनसीएलटी को, और एनसीएलटी उसके बेसिस में एक फाइनल ऑर्डर दे देगा, ठीक है। एनसीएलटी यहाँ कोई लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं करता है। अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप में एक चीज और जान लीजिए, दिस प्रोविजन जो है वॉलंटरी वाइंडिंग अप का इज ऑमिटेड फ्रॉम कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में हटा दिया गया क्योंकि एनसीएलटी का कोई रोल नहीं है। नाउ इट इज कवर अंडर आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में इसको डाल दिया गया है, एक कंपनीज एक्ट से हट गया है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ था, आपको समझ में आ गया होगा वॉलंटरी वाइंडिंग, मेरा मन से मैं अपना वाइंडिंग अप करना चाहता हूँ, काम करता हूँ। अब आ जाता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। क्या होता है देखिए, इफ कंपनी डिड फ्रॉड, कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया है, या अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, कंपनी अपना डेब्ट का पैसा ही नहीं दे पा रहा है, या डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइलिंग करते समय कुछ गड़बड़ी कर रहा है, एटसेट्रा, ये सब केस होंगे, दो चार केस और है, देन एनसीएलटी अपॉइंटेड लिक्विडेटर फॉर वाइंडिंग अप। इस केस में एनसीएलटी ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगा एक लिक्विडेटर को वाइंडिंग अप के लिए, मतलब कंपल्सरी वाइंडिंग अप, मतलब वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी, एनसीएलटी के द्वारा वाइंडिंग अप हो रहा है, ठीक है। नो नीड टू गिव ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग, या सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन देने का आपको दरकार है ही नहीं, क्योंकि आप खुद का इच्छा से नहीं दे रहे, ट्रिब्यूनल अपॉइंट हो रहा है, ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए, ऑल वाइंडिंग अप डन बाई लिक्विडेटर ऑफ एनसीएलटी, सारा वाइंडिंग अप का काम एनसीएलटी का लिक्विडेटर ही करेगा, क्योंकि सारा वाइंडिंग अप का जिम्मेदारी एनसीएलटी ले रहा है यहाँ पर। फिर देखिए, लिक्विडेटर सोल्ड एसेट एंड डिस्पोज लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी, लिक्विडेटर क्या करेगा, कंपनी का एसेट को बेच देगा, एंड कंपनी का एसेट को बेच के लायबिलिटी होल्डर लोगों को पैसा दे देगा। लिक्विडेटर सबमिट फाइनल रिपोर्ट ऑफ एनसीएलटी, एट द एंड जैसे वाइंडिंग अप में होता है, लिक्विडेटर अपना फाइनल रिपोर्ट देगा एनसीएलटी को, एंड एनसीएलटी वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगा। वाइंडिंग अप डन अंडर कंपनीज एक्ट, यहाँ कंपनीज एक्ट के अंडर होता है, मतलब सिंपल सा बात है, जब कंपल्सरी वाइंडिंग अप होगा तो यह ट्रिब्यूनल कराएगा, और ट्रिब्यूनल कराता है तो सिंपल सा फंडा है, ट्रिब्यूनल अपना लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, लिक्विडेटर एसेट को बेचेगा, लाइबिलिटी होल्डर को पैसा दे देगा, उसके बाद लिक्विडेटर एक फाइनल रिपोर्ट देगा एनसीएलटी को, एनसीएलटी उस बेसिस में कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ डेथ दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ डेथ मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन दे देगा, और उसके बाद उस कंपनी का नाम आरओसी से हट जाएगा, और यह सारा प्रोसेस कंपनीज एक्ट के अंडर होता है। सिंपल सा बात है, यदि कंपनीज एक्ट के अंदर वाइंडिंग अप होता है तो उसको ट्रिब्यूनल कराता है, एनसीएलटी कराता है, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप में भी एनसीएलटी से ही सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट दोनों में ही एनसीएलटी ही देगा, बट उसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप में एनसीएलटी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ बात बोलना चाहूँगा मैं, दो मिनट आप समझिए, आपका काम का चीज़ होगा अभी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम का चीज़ बताऊँगा मैं। देखिए, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सिचुएशंस बुरी हो सकती है, सर्कमस्टांसेस बुरे हो सकते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, आप आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में बहुत प्रकार की प्रॉब्लम होती है, बच्चे डर जाते हैं, इसीलिए बताता हूँ, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ, बस याद रखिएगा, आई कैन डू, बस ये चीज़ याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चीज़ को समझिएगा, एक पत्थर से जब मूर्ति बनती है ना, तो पत्थर को बहुत पेन झेलना पड़ता है, उसके बाद मूर्ति बनती है, और जब पत्थर से जब मूर्ति बन जाती है, उसकी वैल्यू अलग हो जाती है, वह भगवान बन जाता है। तो उसकी वैल्यू कब बनती है, चीज़ को समझिए, जब वो पत्थर बहुत पेन झेलता है, टूटता नहीं है, उस पेन को झेल लेता है और अपने ऊपर भरोसा रखता है,
तो मूर्ति में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पत्थर टूट जाता है उससे मूर्ति नहीं बन पाती है। तो यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि आप टूटिएगा मत प्रॉब्लम आने से, डट के सामना कीजिएगा और भरोसा रखिएगा कि आई कैन डू। सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है लाइफ में, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अपने ऊपर भरोसा होगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस अपना ब्रेन को शांत रखिए। मैं ये एग्ज़ाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं लाइफ के लिए बोल रहा हूँ। सिचुएशंस कभी भी, जो आदमी प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ता है, प्रॉब्लम को टैकल करता है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है? पत्थर जब पेन झेलता है तभी वह मूर्त बन पाता है। तो आपको मूर्त जैसा कुछ बनना है, उतना वैल्यूएबल बनना है, तो पेन से टूटना नहीं, पेन को झेलना है और आगे बढ़ना है। बस इतना ही बोलूँगा। कल मैं स्कैनर का सम आपको करवाऊँगा, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।